मिल गया तो उसका मकान दुकान दोनों तोड़ देंगे आप लोग? उसका समर्थन कैसे कर रहे हैं आप? उसका समर्थन कैसे कर रहे हैं आप? आज कंगना गलत कह चुकी है और आप उसका समर्थन कर रहे हैं और आप चढ़ रहे हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर। मैं तो ना पीओके का समर्थन कर रहा हूँ ना हरामखोर का समर्थन कर रहा हूँ। जिसने हरामखोर बोला मैं उस शब्द का भी समर्थन नहीं कर रहा। आप बुद्धा क्यों नहीं बना रहे? आप बुद्धा इस पे क्यों बना रहे? बुद्धा ये क्यों नहीं बना रहा ये? हाँ पायल रोहतगी, लेट पायल रोहतगी रिस्पॉन्ड। संबित जी होल्ड ऑन, पायल रोहतगी रिस्पॉन्ड टू एंड्रिया डिसूजा। जी क्या कह रहे हैं आप? एंड्रिया डिसूजा को रिस्पॉन्स दीजिए। कंगना रनौत का घर मकान टूटना जायज है क्या? मैंने ये नहीं कहा मकान तोड़ना जायज है। अमेश बड़े अभी भी यही कहा कि ये गलत है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि कंगना ने जो कहा वो गलत नहीं है। वो कंगना ने भी कहा वो गलत है। मैं कहना चाहती हूँ, let me just say what I want to say on this whole issue. कंगना रनौत का स्टेटमेंट गलत था, मगर हमारे देश के अंदर बहुत सारे गलत स्टेटमेंट्स किए जाते हैं। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि ये हिंदू पाकिस्तान है, जो शशि थरूर जैसे इंटेलेक्चुअल हिंदू है। लोग कहते हैं आमिर खान जैसे कि उनकी बीवी ने कहा है कि भारत में रहना डिफिकल्ट हो गया है। तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोग स्टेटमेंट्स करते हैं जो पब्लिक एग्री नहीं करती उससे, मगर उसके बावजूद जो सरकार जो आमिर खान की बीवी ने कहा था उसके खिलाफ लोगों ने उनको ये भी कहा था कि आप जाइए पाकिस्तान, आप एंटी नेशनल हो। ये पूरा एक महीन चला था, ये आप भूलिएगा नहीं। जस्ट कीप क्वाइट, जस्ट लोअर द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्सन देयर। रही बात यहाँ पर जो बीएमसी कह रहा है कि कंगना का कंस्ट्रक्शन इलीगल था, तो बॉम्बे के अंदर बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं। बॉम्बे के रोड्स बहुत नैरो हैं। बॉम्बे के अंदर मंदिर हो या मस्जिद हो, उस सब के आगे जगह को जब्त किया जाता है। मैं यारी रोड पे रहती हूँ एंड यारी रोड की रोड्स आर वेरी वेरी नैरो एंड शॉप्स एंड मस्जिद एंड मंदिर सब लोग एरिया को जब्त कर देते हैं। जो एरिया होती है फॉर पीपल टू वॉक ऑन द रोड्स एंड फॉर द कार्स टू गो ऑन द रोड्स, मगर ये सब के ऊपर बीएमसी कभी कोई एक्शन नहीं लेता। वहां पर पुलिस का थाना भी होता है। नवरात्रि आती है, ईद आती है, जो भी त्योहार आते हैं तब वहां पर पुलिस पर्सनल आ जाते हैं। सबसे पहली बात ये क्यों भूल जाते हैं कि एक इंसान ने हमारे देश के एक स्टेट को पीओके कहा है। अगर इस बात पे एक हिंदुस्तानी को गुस्सा नहीं होता इसका मतलब वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता। तो आप मतलब खुंदस निकालने वाली सरकार है। बीजेपी भी निकल चुकी है मैडम, किसान लोगों के साथ वेंडेटा हर जगह पे है। क्यों वेंडेटा चिताम्बरम सर के साथ नहीं हुआ था? वेंडेटा चिदंबरम सर के साथ नहीं हुआ था, यानी आप मान रही है ये भी वेंडेटा है? तो फिर आप काहे बोलते हैं कि हम आएंगे तो बोलने की आजादी होगी? लोग खून करते हैं, आप भी खून करेंगे। आप अपनी पार्टी को खुद नीचे लेके जा रहे हैं। बाला साहब ठाकरे का नाम आप खुद खराब कर रहे हैं। आप लोग आप लोग जानबूझ के मुद्दा बना रहे इस चीज का, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये सरकार टूटे और कुछ नहीं। ये तो सिर्फ एक बहाना है, आप सिर्फ बहाने बना रहे हैं सरकार। एक सेकंड, एक सेकंड, लेट मी गेट संबित पात्रा। संबित पात्रा, स्मॉल इंटरवेंशन फ्रॉम योर साइड टू रिया डिसूजा, एंड्रिया डिसूजा। संबित पात्रा, ये सरकार तोड़ने के लिए पूरा खेल बीजेपी कर रही है, एंड्रिया डिसूजा का ये मान रहा है। ओके ठीक है, आपने एंड्रिया अपनी बात रख ली। एंड्रिया, यू मेड योर पॉइंट। होल्ड ऑन नाउ, संबित शांति से 40 सेकंड संबित पात्रा, गिन के 40 सेकंड। देखिए पहली बात तो है, ये जो लोग कह रहे हैं कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है, अभी यहां पे कहा गया कि पीओके पाकिस्तान का है, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है कांग्रेस के प्रवक्ता का। पीओके हमारा बहुत सुंदर हिस्सा है जिसपे गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, इसलिए ये कहना कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है ये सेडिशन है जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने किया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि शिवसेना तो बड़ी अच्छी है। देखिए मैंने बाला साहेब के दो, आप तो शिवसेना कह रहे हैं, इसके लिए मैं बाला साहेब को सलाम कर, मैंने ट्विटर पे देखा। मैं एक सेकंड रुकिए। पहली बात तो है, बाला साहेब ने एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू दिया था, उसका चंक आपको चलाना चाहिए। बाला साहेब जी ने कहा था, और हूबहू मैं वो वर्ड आज कह रहा हूं और मैं लोगों से कहूंगा उसको ट्वीट करिए। बाला साहेब